आप पार्टी ने सुखबीर मलिक को प्रदेश व्यापार मंडल का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। सुखबीर मलिक ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हम राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम पर विश्वास करते हुए हमें व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में व्यापारी वर्ग की समस्याओं को सुन उनका समाधान करेंगे और उनके हम काम आ सके। उन्होंने कहा कि आप पार्टी का जेजेपी पार्टी से समझौते की बात चल रही है। आप पार्टी लोकसभा की दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी अगर हमारा जेजेपी से समझौता हो जाता है। प्रोग्राम है वो है, इसके साथ समझौता की बात चल रही है हमारी, जो अपना दुष्यंत जी के साथ, और मांट के ही लड़ेंगे। जो भी एक या दो सीट हमारे को लोकसभा में दिल से ले लड़ाई लड़ेंगे और इसमें जीतेंगे भी। इसका फैसला तो देखो, इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है हमारे को क्या करना है ये। लेकिन आपके जो हरियाणा के प्रभारी हैं नवीन जी, वो तो कह रहे थे 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे। देखो जी, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते। हम तो व्यापार के लिए आए हैं, व्यापार को ही ऊंचा उठाना चाहते हैं। हम अपने सामाजिक काम करने में, अपने समाज के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं उनको उठाएंगे, उन्हीं के लिए काम करेंगे। और जो भी जैसा ऊपर की नीतियां होंगी जो लड़ेंगे तो हम दिल से सपोर्ट करेंगे। एक अच्छे आदमियों का एक ईमानदार सरकार है। आप देखो दिल्ली के अंदर कितना अच्छा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी जिला अध्यक्ष क्यों नहीं आया? जी जिला अध्यक्ष आज हमने कोई बुलाया नहीं, हमने तो आज अब ग्रामीण वाले ही बुला रखे हैं। ग्रामीण के जो है वो ही बुला रखे हैं। ग्रामीण आला का ही आज ये प्रोग्राम था हमारा। हम ग्रामीण के अध्यक्ष थे, अब ग्रामीण का अध्यक्ष एक दो दिन बाद इन्हीं में से सलाह करके अभी हमने तय करना है किसको बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। समय समय पर ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहिए यस टीवी के साथ।